व्हाट इज सिर? 40 सेंस में डाल दिया इतना सीक्रेट सीक्रेट मसाला. दिस इज तैमूर एंड दिस इज अ ट्रैवल इन्फ्लुएंसर. आज के लास्ट एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे उज्बेकिस्तान की अमेजिंग नूडल मेकिंग, तंदूरी, लैम और कुछ जगह घूमने के लिए. तो बने रहिए वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक. हम खाने हैं लैगमन नूडल्स, जिसमें एक काफ़ी अच्छा तड़का लगता है. नूडल्स भी ये खुद ही बनाते हैं और देखते हैं इसकी मेकिंग बिल्कुल स्क्रैच से कि कैसे इसको हैंड से एक्सटेंड करके बनाया जाता है. या बड़े बड़े रोल्स में नूडल्स को लाया जाता है, उसको स्ट्रेस करा जाता है अलग अलग करके, फिर उसकी खुली दिल से पिटाई करी जाती है जब तक वो साइज में डबल ना हो जाए. एक बार ये साइज में डबल हो जाए तो इनको बॉईल करा जाता है थोड़ी देर के लिए. इस बैम्बू स्टिक से इसको हिलाया जाता है और इसको फिर ठंडे पानी में धोया जाता है कि इसका पूरा जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाए. फिर इसको दोबारा बॉईल करा जाता है, दोबारा इसको साफ करा जाता है. ये प्रोसेस 2 से 3 बार रिपीट होता है. फिर इसको बॉल में सर्व करते हैं, इसके ऊपर ग्रेवी डाली जाएगी. अब इस ग्रेवी में काफ़ी सारा मीट होता है, जिसके साथ काफ़ी सारे मसाले भी होते हैं. फिर उसमें ये डालते हैं गार्लिक पेस्ट, कैबेज, सॉल्ट, रेड एंड ग्रीन कैप्सिकम, सोया सॉस, टोमेटो, कॉर्नफ्लावर. सरी के साथ नूडल्स का पानी काफ़ी ज़्यादा ऐड करते हैं. एक अच्छा सा मिक्सर सा कढ़ाई मसाला जैसा मिक्सर ग्रेवी में तैयार हो जाता है. इसको नूडल के ऊपर सर्व करते हैं. लेकिन हम ये नूडल्स नहीं खा सकते, बिकॉज हमें बताया गया कि इसमें तो हॉर्स मीट के साथ बीफ भी है और हम बीफ बिल्कुल कंज्यूम नहीं करते. इनको हमने बोला कि आप हमारे लिए वेज बना सकते हो, उन्होंने कहा हम आपके लिए प्योर वेज नूडल्स बना देंगे, लेकिन उसको बनाने के लिए कम से कम आधा घंटा लगेगा. तो हमने बोला हम वेट कर लेते हैं. भयंकर गर्मी के बाद हम आ गए कुछ खाने के लिए, जो जिसकी वीडियो हमने ली थी. अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बोला थोड़ा बहुत बीफ जाता है और हॉर्स मीट जाता है, तो हम लोग जिस पर डाउट भी है ना वो नहीं खा रहे हम लोग. तो हमने अब वो चीज़ें ली, वो नूडल्स लेके विदाउट. और अगर आप यहाँ पे आते हो, यहाँ के लेमन्स बड़े फेमस है, यहाँ का लेमोनेड जोर पियो. शाश्वत ने लिया ये ड्रिंक विच इज़ जूस, तो दोनों हाईली रिकमेंडेड आई है. तो सबसे पहले ये पी के देखते हैं विच लुक्स लाइक एन एक्सपेंसिव ड्रिंक. चीयर्स. नाइस, काफ़ी अच्छा ग्रेपफ्रूट का टेस्ट है. और यहाँ पे ना वोडका भी पीनी हो शॉर्ट में, ऐसे ही ग्लास है जैसी सोवियत टाइम के राजा महाराजा हो. और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पेट बॉटल्स कम है और कांच की बॉटलें ज़्यादा है. ये है हमारा लेमोनेड, जिसमें माय फेवरेट है. वेरी नाइस टेस्ट. तो वहाँ पे भी हम उनको ले गए, पूछा नो बीफ वाली चीज़. ये देखो इसमें ये रेड कैबेज, टमाटर, लेमन स्लाइसेस और दिल हर चीज़ में डालते हैं, दिल से बनाते हैं हर चीज़ में, दिल भर भर के डालते हैं. ये तो प्योर वेज है, कह देना जैसे रफ वेज नहीं होता खाने में. तो यहाँ के लोग ना सैलड बहुत खाते हैं. दिस इज व्हाट मीट? नो मीट. दिस इज मीट. चिकन. मीट, चिकन, सिर. दिस इज ग्रेट. या. सो ये नेक्स्ट डिश हमारी आ गई है. हमें लगा चिकन होएगा, लेकिन तो चिकन का बच्चा निकला. अंडे की डिश है ये, सूपी अंडा. ऐसा ऑमलेट है पहली बार खा रहा हूँ. आप लोगों ने खाया कभी ऐसा ऑमलेट? हाँ. नेक्स्ट डिश भी आ गई. थैंक यू सो मच. दिस इज लैम चॉप्स, टमाटर की चटनी, नथिंग है. ये है यहाँ की नेशनल ब्रेड, प्योर वेज वाले जो देख रहे हो ना, तुमने यहाँ पे आके यही खाना है, प्योर वेज. तो गाइस टेस्ट करते हैं. ये देखो लैम चॉप्स, अमेजिंग. तो यहाँ पे मटन खाना से लग्जरी. अब हम लोग खाएंगे ये ग्रेवी का, ये अंडा. वेरी नाइस. इन्होंने स्पेशली माय रिक्वेस्ट में लैगमन नूडल्स बनवाई है, जिसमें कोई मीट ही नहीं है, प्योर वेज. काफ़ी टाइम लगा इनको बनवाने में. काफ़ी जगह आपको ये नूडल्स ना हॉर्स मीट के साथ मिल जाएगी. ये इन्होंने स्पेशली देखो, इसमें कहीं पे भी मीट नहीं है. दिस इज़ आर बिल 2,57,600, 1,600-1,700 रुपये इंडियन में. और ये जो हमने खाया है वेरी नाइस. चलिए चलते हैं कुछ जगह घूमने के लिए उज्बेकिस्तान के ताशकंद शहर के अंदर. वालेकुम अस्सलाम. एंड ये देखो यहाँ पे ना ये आर्मी का ट्रक खड़ा हुआ है.
हर मॉल के बाहर एक आर्मी का ट्रक खड़ा होता है यहाँ पे, और ये बख्तर बंद है, मतलब बुलेट प्रूफ, बॉम्ब प्रूफ। सो गाइस, हम लोग अस्पताल आ चुके हैं, मीनार, मॉस्क, यहाँ पे हम लोग घूम रहे हैं। तो इस ब्लॉग में आपको दिखा रहा हूँ प्लेसेस टू सी ऑल्सो, कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हो घूमने के लिए। ये देखिए मेरे पीछे, दिस इज़ द मॉस्क। यहाँ पे नियरेस्ट एक मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन से यहाँ पे आ सकते हो, और टैक्सी है, इजीली अवेलेबल है। सो गाइस, दिस इज द ग्रैंड मॉस्क, एंड काफ़ी लोग यहाँ पे एज अ टूरिस्ट पर्पस के लिए भी आते हैं, एंड इट्स अ वर्शिप प्लेस। आई कैन सी लॉट ऑफ पीपल कमिंग हियर, लॉट ऑफ गर्ल्स कमिंग हियर, एंड यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ड्रेस पे, स्टिल बी वेरी रिस्पेक्टफुल टू द रिलीजन। सो गाइस, हम लोग जा रहे हैं बंदर, लेट्स गो इनसाइड। दे आर शॉप्स, जैसे हम अंदर आए दे आर शॉप्स, एंड ये है इनर स्ट्रक्चर, काफ़ी खूबसूरत बना रखा है गाइस, ये देखो आप, इट्स सो ब्यूटीफुल। सेंट्रल एशिया की जो कारीगरी है वो हमारी हिंदुस्तान की जो मुग़ल कारीगरी है उससे काफ़ी अलग है, पूरा का पूरा क्या स्ट्रक्चर है। एंड ये देखो, ये टूरिस्ट के लिए हैं, तो मॉस्क में जाना अलाउड नहीं है, यू कैन जस्ट गो टिल हियर फॉर टूरिस्ट, बट लुक एट दिस, वाह। सो हमें जो लग रहा था कि गर्ल्स अलाउड, नो दे आर नॉट अलाउड, और फिर अंदर जाने के लिए यू नीड स्पेशल क्लोथिंग। अभी टूरिस्ट क्राउड आ रहा है सारा, बिकॉज पूरा दिन गर्मी रहती है, और गर्मियों में यहाँ पे 8 बजे तक सनलाइट रहती है, तो परेशान मत होना, अंधेरा हो जाएगा। अभी टाइमिंग क्या हुआ है, 4:50, पर 5 बजे का ऑफिस का क्राउड चालू हो जाता है। रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो। आइए चलते हैं देखेंगे एक्सट्रीम मेकिंग ऑफ तंदूरी लैम्प, जहाँ पे इतना टेम्परेचर होता है कि इनको ग्लव्स पहनने पड़ते हैं। तो सबसे पहले अलग अलग टाइप की लकड़ जो होती है उसको इसमें तोड़ के डाला जाता है, और ऊपर से जो फर्नेस है उसको बंद कर दिया जाता है। मीनवाइल जो इनके पास ग्रिल्ड चिकन जो इनके रेफ्रिजरेटर में पड़ा है, जिसको ये 12 घंटे मैरिनेट करते हैं, उस चिकन को और मटन को लाया जाता है। मटन के बड़े बड़े छाती के पीसेस है जहाँ पे जिसको ये ग्रिल करेंगे, इन सब में हुक लगा रहे हैं कि इसको ऊपर लटका सके, और आधे से 1 घंटे बाद जो कोयला है वो तैयार होएगा। मीनवाइल ये चिकन के रैक को तैयार करें, जिसमें ये फुल चिकन को रख के रोस्ट करेंगे। जैसे इंडिया में कोरिएंडर यानी धनिया काफ़ी फेमस है, सेंट्रल एशिया में दिल काफ़ी पसंदीदा चीज़ है, हर चीज़ में ये डालते हैं, हर चीज़ में इनका फ्लेवर अच्छा लगता है। इन्होंने अब पहन लिए इंसुलेटेड ग्लव्स, बिकॉज ये जो तंदूर है इसका जो टेम्परेचर वो 1000 डिग्री से ऊपर जाता है, और आपके हाथ से चमड़ी तक गला सकता है। बीच में ये डाल रहे हैं एक आयरन कास्ट का पॉट, जिसमें ये भर रहे हैं पानी, और आप देखो कितना गर्म कोल बन चुका है आपके लकड़ से, और इसमें अब ये डालेंगे चिकन और मटन। पानी डालने का पर्पस ये होता है कि जब ऊपर से बंद कर दिया जाएगा तो भाप से जो चिकन है वो टेंडर ही रहेगा। इन्होंने जो चिकन है उसको ये पॉट के ऊपर रख दिया है, ऊपर से इन्होंने सरिया लगा दिया है, सरियों के ऊपर हुक से सारे के सारे जो मटन के पीसेस है उसको हैंग करेंगे। हैंग करने के बाद एजेस में जो गीली दिल की लीव्स है उसको डाल रहे हैं कि एक स्मोकी इफेक्ट आए, और जो फ्लेवर है वो चिकन और मटन में बस जाए। उसके ऊपर एक गीली चद्दर डालेंगे 1 से 2, उसके बाद एक लोहे का जो उसका कवर है उसको डालेंगे, और कच्चे मिट्टी से इसको सील कर देंगे कि ये तंदूर दम में पके। इसकी कोई भी और लोकेशन नहीं है जहाँ से ये हीट निकलेगी, तो पूरा अच्छे से दम में पकेगा। इसमें कम से कम 3 घंटे में पकने के बाद देखिए कितना बढ़िया लैम्ब और चिकन बनके तैयार है। आपने ऐसा लैम्ब और चिकन कभी दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा, इसका टेस्ट भी काफ़ी सक्यूलेंट है। विल गो इनसाइड द मेट्रो एंड आपको इनकी खूबसूरत सी मेट्रो दिखाते हैं। इनकी मेट्रो काफ़ी पुरानी है, ऐसा लग रहा है आप कोलकाता में आ गए हो, और बिल्कुल एक्यूरेट ऑन टाइम है, टाइम से हर 3 मिनट में इनकी मेट्रो आती है, काफ़ी यूनिक है। द मेट्रो डजंट हैव एयर कंडीशनिंग, थोड़ी थोड़ी खिड़कियाँ इस मेट्रो के अंदर है, और आप देख सकते हो कि इट्स वेल प्रेजेंटेड। और कहीं पे भी चले जाओ आप मेट्रो में, आपको सिर्फ देनी है 13 रुपये की टिकट, इट्स सो चीप। आप लोगों को पता है शास्त्री जी का निधन हो गया था USSR सोवियत यूनियन के अंदर, तब उनका निधन यही पे इसी शहर में हुआ था, आज तक किसी को नहीं पता लगा कि क्या हुआ था। उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, एंड आप भी ज़रूर आओ। सो गाइस, हम लोग जा रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, विच इज़
करीना कपूर और सैफ अली खान का जो बेटा है ना, उसका एक जिसमें नाम है, उस बंदे का वहाँ पे स्टैचू है, तैमूर। तो हम लोग तैमूर के लिए जा रहे हैं। सो हम जा रहे हैं, देख रहे हैं व्हाट्स द फज़ इज़ ऑल अबाउट, एंड इट्स लाइक अ टूरिस्ट स्पॉट ऑल्सो। हम आ गए तैमूर स्टैचू देखने के लिए। दिस इज़ द मेन स्क्वायर, मेन पार्क, वहाँ से होटल उज़्बेक दिखता है। तो हम अब नीचे से जा रहे हैं। देखो यहाँ पे आप ऐसे भी आ सकते हो। कहाँ से हो आप? इंडिया से हो? वेरी नाइस, दिल्ली से हम। एंजॉय। तो ये है उज़्बेकिस्तान का सेंटर पॉइंट और यहाँ पे ये है तैमूर का स्टैचू, आमिर तैमूर, एंड ही इज नॉट अ एक्टर का बेटा। ये सही वाला रूलर है। सो गाइज, दैट इज़ द तैमूर म्यूज़ियम। अगर आप चाहो तो वहाँ पे जा सकते हो अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए। हम वैसे ही बहुत ज्ञानी हैं तो हम नहीं जा रहे हैं। तो अब चलते हैं यहाँ के बेस्ट मॉल विजय, ताशकंद सिटी मॉल। इस मॉल के अंदर आपको हर ब्रांड मिल जाएगा, काफ़ी सारी गाड़ियाँ डिस्प्ले में मिल जाएगी, खाने पीने की अनगिनत ऑप्शन मिल जाएगी। एंड इसके स्टार्ट में एक कनेक्टिंग सेंट्रल पार्क है, विच इज़ द मोस्ट पॉश एरिया। आपको घुसने के लिए भी आर्मी की परमिशन चाहिए होती है यहाँ पे। आइए चलते हैं और देखते हैं रात के वाके नज़ारे। ये नीचे ना ये जॉगिंग वाला ट्रैक बना रखा है। ये कोई VIP एरिया बिल्कुल, जहाँ पे ऐसे हमारे यहाँ पे कोई डीलरशिप का एरिया ना। ये देखो आसपास बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल एरिया है, पार्क के अंदर ब्रांड्स है। अंधेरा होता हुआ 8:30 बज गए यहाँ पे। जब तक मैं इन फाउंटेन्स के मज़े लेता हूँ, आप भी अपना ट्रिप प्लान करो एंड जाइए उज़्बेकिस्तान, एंजॉय करिए बढ़िया कल्चर, बढ़िया फूड, एंजॉय करिए इकोनॉमी में एक रॉयल फीलिंग। Why you acting different when the cameras on? Why you acting different like your paper long? 8-day wake up and I thank God. Bad decision got you wishing you.